Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and let's start our next part of meiosis. That is what meiosis 2. इससे पहले मैं meiosis 1 discuss कर चुकी हूँ. Please पहले उसे देख लीजिए तभी आपको meiosis 2 clear हो पाएगा. Okay, मैं उसका link description box में share कर दूँगी. See, meiosis 1 का जो result है मैं आपको वो बता रही हूँ. Meiosis 1 के last में क्या हुआ, टीलोफेज आने के बाद, इस टीलोफेज के बाद इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है. क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है. टीलोफेज में मेरे पास क्या मिले थे, ये कुछ इस तरह का मेरे पास रिजल्ट आया था. ओके, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो जाता है. ठीक है, ब्लैक का थोड़ा सा मटेरियल ग्रीन में आया और ग्रीन का थोड़ा सा मटेरियल ब्लैक में आ गया. अब साइटोकाइनेसिस के बाद अल्टीमेटली मेरे पास दो डॉटर सेल बन गई. कौन कौन सी, एक डॉटर सेल, और उन सब में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वापस रीजनरेट हो जाता है. ठीक है, तो दो डॉटर सेल मेरे पास बन गई है. एक डॉटर सेल में तो न्यूक्लियस इट इज़ लाइक दिस वन. ठीक है, बट इसमें हाफ पोर्शन क्या है, ब्लैक का है, तो ये थोड़ा सा वेरिएशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे. क्रॉसिंग ओवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज इसी की वजह से स्पीशीज़ जो है वो अपनी अपनी जो एक्सटिंक्ट नहीं होती, अपने आप को कंटिन्यूटी इसकी ऑन दिस अर्थ मेंटेन रख पाती, क्योंकि एनवायरमेंट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, तो स्पीशीज़ को भी अडेप्ट होना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है. दिस इज़ कॉजिंग द वेरिएशन जो उसको हेल्प करती है अपने आप को सर्वाइव रखने में इस ऑन दिस अर्थ. ओके, तो ये मेरे पास दो डॉटर सेल आ गई हैं, ये डॉटर सेल है. अब ये डॉटर सेल्स क्या होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, दो क्रोमोसोम्स थे और दोनों सेपरेट हो गए, तो यहाँ पे क्रोमोसोम डिप्लॉइड से क्या हो गया, डिप्लॉइड से क्या हुआ, हैप्लॉइड हो गया. ओके, यानी कि ये पेरेंट सेल है और इससे जब गैमीट्स बनते हैं तो वो हैप्लॉइड फॉर्म में आ जाता है, लाइक दिस. ठीक है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम थे, सेपरेट हो गए. अब ये दोनों डॉटर सेल्स क्या करेंगी, मियोसिस टू में पार्ट करेगी. मियोसिस टू जो है इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज ऑफ माइटोसिस. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर तो पहले ही मियोसिस वन में ही हाफ हो चुका है, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ उसका फर्दर वो डॉटर सेल में डिवाइड होगी, एक से दो डॉटर सेल बनेगी. ठीक है, एक तरह से डिविजन हो रहा है फर्दर, बट यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हो रहा है, बिकॉज ये माइटोसिस के सिमिलर है. और माइटोसिस में भी क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता, इट इज़ अ इक्वेशनल डिविजन. ठीक है, अगेन मियोसिस में भी फोर फेजेस होती है, विच इज़ वॉट, फर्स्ट इज प्रोफेज, प्रोफेज, बट हम उसके आगे सबके आगे सेकंड लगाते जाएंगे, प्रोफेज, देन मेटाफेज, सेकंड, देन एनाफेज सेकंड, एंड लास्ट वन इज टीलोफेज सेकंड, राइट. ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये सारी फेजेस कैसे कंडक्ट होती है. लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस दीज ऑल फेजेस. सो दीज आर द फोर फेजेस ऑफ मियोसिस टू. ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि दो डॉटर सेल बन रही है, दोनों में सेम प्रोसेस कंडक्ट होगा मियोसिस टू का, तो मैं एक सेल को अब लेके चल रही हूँ, वैसा ही सेम प्रोसेस दूसरी डॉटर सेल में होगा. ठीक है, तो मैं एक ही डॉटर सेल को ले रही हूँ. येस, वन मोर थिंग, मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में एक फेज और होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस. क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस. यहाँ पे क्या होता है, ये जो डॉटर सेल्स होती है वो वापस अपने आप को प्रिपेयर करती है नेक्स्ट मियोसिस टू में एंटर करने के लिए. यहाँ पे वही इंटरफेज वाली जो G1S G2 सारी फेजेस होती है, बस डिफरेंस इतना होता है कि इसमें DNA का रेप्लिकेशन नहीं होता. ठीक है, DNA का रेप्लिकेशन नहीं होता, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, क्लियर. ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें सबसे पहली फेज है, दैट इज़ वॉट, प्रोफेज टू. अभी तक अगर आपने देखा हो माइटोसिस मियोसिस वन सब में, प्रोफेज टू में एग्जैक्टली होता क्या है, सबसे पहले तो ये जो क्रोमोसोम है ये इनिशियली किस फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में. टेलोफेज फर्स्ट में, मैं रिपीट कर रही हूं दोबारा, कंफ्यूज नहीं होना, मैं दोबारा बता रही हूँ, टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो कंडेंस क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस हो जाता है और वापस वो क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है. तो अब जब वो प्रोफेज वन टू में एंटर करेगा तो वापस उसको कंडेंस होना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो ये क्रोमेटिन फाइबर है वो वापस से क्या होता है, कंडेंस होना शुरू करता है. ठीक है, तो दिस इज स्टार्ट कंडेंसिंग, राइट, क्रोमेटिन फाइबर, और कंडेंस होकर वो किस में कन्वर्ट होना शुरू करता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना शुरू करता है. इसी के साथ से ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट आल्सो स्टार्ट डिसअपियरिंग. ओके, ये भी डिसअपियर हो जाता है. नेक्स्ट क्या होता है, न्यूक्लियोलस जो है वो भी डिसअपियर हो जाता है, इट आल्सो
डिसअपियर. इसके साथ ही गॉल्जी बॉडी, अदर जो ऑर्गेनल्स है वो भी डिसअपियर हो जाते हैं एट दिस मोमेंट. ठीक है, और जो ये सेंट्रियोल है ये दूसरे पोल की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है. धीरे धीरे वो सेंट्रियोल दूसरे पोल की तरफ मूव हो जाता है. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्रोफेज टू. चलिए अभी मेटाफेज में आते हैं. मेटाफेज में क्या होगा, ये जो हमारा डॉटर क्रोमोसोम है, डॉटर सेल का डॉटर क्रोमोसोम है, इसमें ये दोनों क्या है, दीज बोथ आर वॉट, सिस्टर क्रोमेटिड. मैं यहाँ पे मैंशन कर देती हूँ, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है. ठीक है, पहले मियोसिस वन में क्या हुआ था, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हुई थी, अभी ये क्या है, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है. तो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड क्या करते हैं, एक इक्वेटर लाइन में, ठीक है, एक इक्वेटर लाइन में अरेंज हो जाते हैं और एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट. तो मेटाफेज टू में क्या होता है, मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और ये देखिए जो सेंट्रियोल है दोनों ऑपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं, और सेंट्रियोल में जो स्पिंडल फाइबर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोटिब्यूल प्रेजेंट होता है. मैं दोबारा बता रही हूँ, इसके अंदर जो स्पिंडल फाइबर होता है उसमें माइक्रोटिब्यूल जो होता है विच इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचिंग विद द क्रोमोसोम. ठीक है, तो वो जो माइक्रोटिब्यूल होता है, माइक्रोटिब्यूल ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है, ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये क्या करता है, इट अटैच विद दिस क्रोमोसोम. दिस सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड द सेंट्रोमियर. इसके ऊपर भी क्या होता है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर. काइनेटोकोर तो ये कहाँ अटैच हो जाते हैं, दे अटैच ऑन द काइनेटोकोर. ठीक है, इस तरह से मेटाफेज प्लेट बनती है और ये काइनेटोकोर अटैच हो जाते हैं. सी, अब काइनेटोकोर तो अटैच हो गए पे, ये स्पिंडल फाइबर जो है ये अटैच हो गया. ठीक है, अब क्या करते हैं, इस स्पिंडल फाइबर की जो लेंथ है वो कम होती जाती है. जैसे कि सिंपल सा फंडा है कि अगर दो चीज़ एक दूसरे से अटैच है, मैंने इसको एक रोप से बांध दिया और दूसरे को दूसरी रोप से, अब मैं रोप का साइज कम कर दूंगी तो इन दोनों में भी क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा, दे विल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. तो ऐसा ही यहाँ पे होता है कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो है ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होने लगती है. ठीक है, तो वो वाली फेज होती है हमारी एनाफेज टू. इसमें क्या होता है, देखो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सिस्टर क्रोमेटिड दे स्टार्ट सेपरेटिंग. ओके, दे स्टार्ट सेपरेटिंग टूवर्ड्स पोल, टूवर्ड्स पोल. ठीक है, और पोल भी क्या, ऑपोजिट पोल की तरफ ये दोनों मूव करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, ओके, अब ये मूव करते जाते हैं और एट लास्ट ये ऑपोजिट पोल में पहुंच जाते हैं जो कि क्या होता है, टेलोफेज होता है. तो एट लास्ट ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो अब किस में कन्वर्ट हो रही है, दे सिस्टर क्रोमेटिड है अभी तक. तो जब ये एक दूसरे से सेपरेट होगी तो अब ये सिस्टर क्रोमेटिड ही इंडिविजुअल क्रोमोसोम का काम करेगी. तो ये अब क्रोमोसोम में, इंडिविजुअल क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं और अल्टीमेटली फिर ये क्रोमोसोम भी क्या होता है, डीकंडेंस होना शुरू हो जाता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेटिन फाइबर में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अल्टीमेटली ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है ना, ये हमें नहीं दिखाता, ये तो मैं आपको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज में दिखा रही हूँ अभी तक. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो क्रोमोसोम है ये पूरा ऐसे क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस. ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट होता है. इसी के साथ ही यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस है वो वापस रीअपियर होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब क्या होते हैं, रीअपियर हो जाते हैं. ठीक है, वापस से बनना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद क्या करती है, दो अलग अलग सेल बनना शुरू हो जाती है. तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोलस भी बन गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वापस बनना शुरू होती है. इसके बाद क्या होता है, टेलोफेज सेकेंड के बाद अब क्या हो रहा है, फाइनली ये जो अब फाइनली क्या हो रहा है, टेलोफेज सेकेंड के बाद इस सेल को किसके थ्रू पास ऑन होना पड़ेगा, इट हैज़ टू पास थ्रू दी साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस के बिना इसका जो डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं होगा. तो नाउ द साइटोकाइनेसिस इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, मियोसिस वन में भी साइटोकाइनेसिस होता है एंड मियोसिस टू में भी साइटोकाइनेसिस. तो देखिए यहाँ से ये एक फरो स्टार्ट होता है और ये डीपन होती जाती है और इस तरह से पूरी सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन जाता है. तो ये देखिए दो इंडिविजुअल सेल बन गया. ठीक है, और इसमें अलग अलग ये क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन मटीरियल आ गया. ठीक है, यहाँ पे ये आया तो है, इसी के साथ ही थोड़ा बहुत ये ब्लैक वाला पोर्शन, मतलब इसमें क्या होगा, ये तो ओरिजिनल है, दिस इज ओरिजिनल टू इट्स पेरेंट, बट ये वाला क्या है, थोड़ा सा वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, तो ये दो डॉटर सेल बन गई. ओके, डॉटर सेल,
राइट इसी में ही आपका न्यूक्लियोलस भी बन जाता है, एवरीथिंग इज देयर. सी तो अब ये मैंने एक डॉटर सेल का बताया, ऐसे ही दूसरी डॉटर सेल भी इसी तरह से मियोसिस टू करेगी. तो इस तरह से मैं क्या कर सकती हूँ, इस तरह से मैं क्या बोल सकती हूँ कि एक पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल बन रही है इन केस ऑफ मियोसिस, मियोसिस वन मियोसिस टू दोनों को कंबाइंडली अगर मैं बोलूँ तो कितनी सेल बन रही है, फोर डॉटर सेल्स आर फॉर्मिंग एंड ऑल आर हैप्लॉइड. ओके देखो आपने इसमें देखा हो कि सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो रहे हैं, क्रोमोसोम नहीं अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है. क्लियर. तो इस तरह से इसमें फोर डॉटर सेल बनती है. ठीक है चलिए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको और समझाती हूँ तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा. लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट वन. मैं अभी आपको यही वाला एग्जांपल ले रही हूँ, ये जो ब्लैक पोर्शन है दिस इज दिस वन. ठीक है ये क्रॉसिंग ओवर के थ्रू एक्सचेंज हो चुका है ब्लैक वाले से. अभी क्या हुआ, सबसे पहले ये प्रोफेज टू में आया, प्रोफेज टू में ये क्या हुआ, ये सब कंडेंस होना शुरू हुआ और मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो जाता है. ठीक है लाइक दिस स्ट्रक्चर आई एम गेटिंग इन प्रोफेज टू. प्रोफेज टू में इतना ही हुआ. मेटाफेज टू में आया और ये क्या हुआ, ये इक्वेटर लाइन पे अरेंज हो गया लाइक दिस. ठीक है और यहाँ पे एक सेंट्रियोल, मतलब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर यहाँ अटैच हुआ एक इसके काइनेटोकोर पे और एक स्पिंडल फाइबर नीचे से इसके काइनेटोकोर पे अटैच हुआ. ठीक है उसमें फिर स्पिंडल फाइबर की लेंथ जैसे ही कम होने लगी ये दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे दूर जाने लगे. ठीक है दूर जा रहे हैं तो ये किस में आ रहे हैं, एनाफेस टू में आ रहे हैं. एनाफेस टू में एंटर कर गए, दूर चले गए और टेलोफेज टू तक आते आते ये सेपरेट होकर वापस डीकंडेंस होना शुरू कर देते हैं और इस तरह से ये दो डॉटर सेल बनाते हैं. तो देखो आपको इसमें दिख रहा होगा ये तो पूरा ओरिजिनल पेरेंट सेल जैसा ही है बट इसमें क्या है, यहाँ पे ये ब्लैक पोर्शन है तो ये पेरेंट सेल से लिटिल बिट वेरिएशन इसमें क्रिएट हो गया. इसकी वजह से ये क्या होगा, आगे इसको सर्वाइवल में हेल्प करेगा. अगर ये वाला वेरिएशन इज यूजफुल फॉर दैट ऑर्गेनिज्म तो ये क्या करेगा, इस वेरिएशन को नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन करेगा ताकि ये वेरिएशन आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा पास ऑन हो और हर प्रोजेनी में ये ट्रांसफर हो जाए. ठीक है तो इसी की वजह से मेटाफेज मियोसिस टू पूरा जो है कंडक्ट होता है. सी मियोसिस का अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो क्या सिग्निफिकेंस हो जाता है, पहला तो सिग्निफिकेंस ये है कि इसी की वजह से हैप्लॉइड सेल बनती है और वो क्योंकि दो हैप्लॉइड सेल है जो आपस में फ्यूज होती है तो डिप्लॉइड वापस बनता है तो ये क्या करता है उसके क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. ठीक है और इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये वेरिएशन क्रिएट हो रहा है तो ये ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल में भी हेल्प करता है. दिस इज द significance of meiosis. Okay, so I hope this meiosis 2 is clear all of you. Agar aapko fir bhi koi doubt aata hai, you can put your query in comment box. Main usko clear karungi. And if you like this video, please hit the like button, subscribe and share this channel. And yes, one more thing guys, please press the bell icon. Then only you will get my new notification. Okay, so thank you so much guys for watching this video. Thanks a lot.